दोस्तों तुम मानो या ना मानो, अब मेरे को एकदम 100% श्योर हो गया कि भाई साहब जवान मेरे हिसाब से अब फ्लॉप हो जाएगी। और ये फ्लॉप होने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ रेड चिली का होगा भाई, क्योंकि भाई ऐसा प्रोडक्शन हो जो 1 महीना बचे भाई, अभी तक पोस्टर नहीं बना सकी, टीजर नहीं बना सकी, ट्रेलर नहीं बना सकी, तो भाई काहे का प्रोडक्शन हो? अगर मान लिया बना भी लिया तो क्या उसको रख के क्या बोतल में अचार डालोगे भाई? वो किसके लिए बनाए? ऑडियंस के लिए बनाए, जनता के लिए बनाए? तो भाई साहब उसको दो ना। अब बताओ ट्विटर में, यहाँ पर सोशल मीडिया में, हर जगह इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो देख रहे भाई, वो सब चीज़ मॉनिटर करते कि हाँ सब मतलब ऑडियंस मांग रही है कुछ भाई। चलो ट्रीजर नहीं दे सकते बहुत ज़्यादा हाइप कर भाई, तो एक एक पोस्टर दे दो भाई। देखो आदि पुरुष ने किस तरीके से कम बैक किया भाई, एक टाइम में उसको इतना ज़्यादा हेट मिला कि लोग भूल गए थे कि भाई ये मूवी भी कोई है। लेकिन भाई आदि पुरुष के मेकर ने हार नहीं माना और किस तरीके से धीरे 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 कम बैक करके भाई, उनको स्ट्रैटेजी पता था कि किस तरीके से हमको कम बैक करना। तो भाई जवान के पास सिर्फ 1 महीना, एटलीस्ट एक पोस्टर एक हफ्ता में एटलीस्ट दिया करो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिया करो, ताकि भाई जितने भी ऑडियंस है उनके मन में रहे कि हाँ जवान बोल के कोई ना कोई चीज़ है। अब देखो जब जब तक अवेयरनेस या प्रमोशन या कोई भी क्लिप्स या ग्लिम्स नहीं आएंगे भाई साहब, तो लोग उसके बारे में बात कैसे करेंगे? अब भाई एक ही बार ट्रेलर टीजर कब आएगा, ट्रेलर टीजर का भाई थक जाती है लोग, मतलब ऑडियंस थक जाती है सुन के भाई टीजर डेट ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्यादा दिन हो गया। पठान के टाइम में भी इस टाइप का बहुत ज्यादा क्रेज था कि ट्रेलर कब आएगा, ट्रेलर कब आएगा। लेकिन लेकिन आपको याद होगा कि पठान के ट्रेलर आने से पहले भाई सब 2 गाने ऑलरेडी रिलीज कर दिए थे यशराज ने, ताकि कि लोगों के दिल में एक हाइप रहे कि हाँ भाई अब इसका ट्रेलर देखे। लेकिन भाई 2 साल मतलब 1-2 साल में भाई सिर्फ एक छोटा सा वो अनाउंसमेंट वीडियो के सिवा छोड़ के आज तक कुछ भी नहीं आया। मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े स्टार की मूवी आ रही है और 1 महीना बाकी और कुछ नहीं दिया। मतलब ये रेड चिली वाले के दिमाग में एक्चुअली में चल क्या रहा है, या शाहरुख खान ने कुछ रोक के रखा, या चाह रहे कि नहीं भाई साहब एक ही बार डायरेक्ट मूवी लगा देंगे तो चलो भाई, ये मतलब एक नया स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार किया है क्या? मतलब कुछ तो अपडेट दे भाई साहब, कुछ तो भाई क्या बता। अगर आप पब्लिक को इग्नोर करोगे ना भाई जब तो, लेकिन जब पब्लिक भाई सब आपको इग्नोर करने लगेगी ना, तो फिर ना फिल्म रहेगी ना स्टार रहेगा। ये चीज़ आप मानते हो कि नहीं कमेंट में जरूर बताना भाई, क्योंकि देखो 1 महीना बचा है भाई, और लोग कहाँ कंपेयर कर रहे थे कि पठान टक्कर दे, मतलब जवान बहुत ज़्यादा कमा सकता है पठान से भी ज़्यादा। लेकिन अब सच बता रहा हूँ, अब मेरे को नहीं लग रहा है कि जवान का उस तरीके का क्रेज है भाई। जिसको भी देखो वीडियो बना रहा है, बस वही एक पोस्टर ही दिखा रहा है जो वो रिलीज किया गया, बस वही चीज को दिखा, कुछ नया देखने को नहीं मिला। तो भाई लोगों के मन से तो जवान का नाम ही मिट जाएगा भाई। अरे यार देखो अब ये लास्ट चांस है मेरे हिसाब से, 1 तारीख से लेके 10 मई तक, आज तो 1 तारीख खत्म हो गया छोड़ दो, 2 से लेके 10 मई तक अगर ना पोस्टर आया, ना टीजर आया, ना ट्रेलर आया, तो पक्का बता रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है जवान को लेके। और मेरे हिसाब से उम्मीद है कि इन बीच में वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर दे देंगे। अब भाई मेरे को लग रहा है कि जवान को भाई सही में प्रभास से ढलना चाहिए आदि पुरुष से, क्योंकि भाई आदि पुरुष जिस तरीका से कम बैक कर रही है ना भाई, यार वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। और यहाँ पर शाहरुख खान को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है अगर अभी भी रेड चिली, अगर चलो माल कुछ अच्छा रखा है भाई साहब तब तो चलो कोई बात नहीं, प्रमोशन का टाइम कम भी है तो भाई ऑडियंस बहुत ज़्यादा इसको फैला देगी। लेकिन अगर ट्रेलर या टीजर में कुछ गलती निकल गया या कोई भी चीज़ का, तो भाई कसम से बता रहा हूँ ये मूवी सच में पूरा फ्लॉप हो जाएगी भाई। और यहाँ पर आदि पुरुष का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि देखो आदि पुरुष का भी पता चल रहा है कि इसी महीने मतलब क्या एक आज तो 1 तारीख खत्म होंगे, 2 मई से लेकर 10 मई के अंदर में कभी भी इसका भी ट्रेलर आ सकता है। तो भाई इस महीने भाई मूवी से ज़्यादा एक्साइटमेंट इन दोनों मूवीज़ का ट्रेलर को लेकर है सभी ऑडियंस को है। तो आपका क्या राय कमेंट में जरूर बताना। चलो आज की वीडियो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।